अच्छा किया है मोदी जी ने कि आने चाहिए, क्योंकि दुनिया में ना भारत का बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। अच्छा ठीक है, ये हर काम हर देश में जाके यू नो हमारे मेल मिलाप में है ना हर काम कर रहे हैं। अच्छा पहले भी तो प्रधानमंत्री जाते थे, कहाँ जाते थे, विदेश में जाते थे, एक एक कंट्री में मुश्किल से एक दो कंट्री में जाते थे, हर कंट्री में हर आदमी के साथ जो उनके जो प्राइम मिनिस्टरों के साथ है मेल मिलाप करके हर हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएट। उससे हमको क्या फायदा हुआ उनके विदेश जाने से? क्या फायदा है, क्यों नहीं, उधर का भी हिंदुस्तान का आदमी उधर भी है, उनका जो प्रॉब्लम पता चलता है वहाँ जाने के बाद ही, अगर कोई नहीं जाएगा तो कहाँ से पता चलेगा हमको? तो वो वहाँ पे रह रहे हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम जानने जाते हैं। ओ है, उसमें भी प्रॉब्लम बहुत दूर करता है ये जाने के बाद। और कोई फायदा आपको दिखता है उनकी विदेश यात्राओं से जो आपको पता हो? हमको ये पता है ये अगल बगल में जो जितना हमारे कंट्रीज है उससे हम थोड़ा दोस्ती में रहता है। अभी तो नेपाल से हमारा टेंशन चल रहा है, चाइना से हमारा टेंशन चल रहा है, पाकिस्तान से तो हमेशा ही टेंशन चलता है, तो क्या बेहतर हुआ है विदेश, क्या क्या रिश्तों में क्या बेहतर हुआ है? अभी देखो पाकिस्तान में हमारे बंदा को पकड़ के रखा था, ये जब तक प्रधानमंत्री दूसरे कंट्री में नहीं जाता है तो इनको जिंदा नहीं छोड़ना था पाकिस्तान वाला। अच्छा 100% मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान के लोग भी कह रहे थे कि अभिनंदन को आजाद करो, वहाँ पे भी कैंपेन चल रहा था, कई लोग वहाँ पे भी बोल रहे हैं। वो हिंदुस्तान के साथ कुछ आदमी हर जगह पे थे, हर कीड़ा के बीच में एक अच्छा कीड़ा भी होता है। अच्छा ठीक है। अच्छा वैसा है पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान के बारे में सोचने वाला बहुत है, कुछ है कुछ आदमी है। अच्छा। उसका दिल में हम दोनों दोस्ती में रहना चाहता है। अच्छा, पाकिस्तान में लगता है हमें दोस्ती में रहना चाहिए? जरूर रहना है, क्योंकि वो भी इंसान है हम भी इंसान है, ये काम हमारा ये है सब जीने के लिए। तो आपने उनको कीड़ा क्यों कहा? कीड़ा क्यों कहा, उसमें कुछ कीड़ा है। अच्छा कुछ कीड़ा है, कुछ कीड़ा है उन्हीं की वजह से। कुछ कौन? अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के मतलब 99% आदमी का बीच में कुछ आदमी है खराब वाला आदमी है, वो ही काम करता है ये खराब वाला काम, वो इंसान का के लिए लायक नहीं हो। तो हमेशा हमारे यहाँ के इलेक्शन के टाइम में इतना पाकिस्तान का नाम क्यों आता है? आता हर बात तो में ये पाकिस्तान ये जीते तो वो पाकिस्तान, ये जीत जाएगा तो पाकिस्तान भेज दो, ऐसा कहते हैं ना कि उसको सपोर्ट करते हो तो पाकिस्तान। मैं नहीं सुना ऐसा। अच्छा आपने नहीं सुना? मैं नहीं सुना। अच्छा अभी जो है ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ था, अभी ये मिलिटेंट्स का वजह से हमारे इंडिया का अंदर जितना जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ये नहीं फौजी आदमी प्लास्टिक में नहीं बना के भेजता है, नहीं लोहा में बना के नहीं खड़ा करता है, वो भी इंसान है, माँ बाप ने फायदा करता है फौजी आदमी। आप कहाँ पर पोस्टेड हैं? मैं तो हरियाणा में। हरियाणा में पोस्टेड है आप, फौज में है। अच्छा अपना नाम बताएंगे? नहीं बताऊंगा। अच्छा नाम नहीं बताएंगे क्यों? अच्छा ठीक है, चलिए ये तो आपकी मर्जी है कि आप नाम, यहाँ किस लिए आए? छुट्टी इलेक्शन क्या? छुट्टी, छुट्टी के लिए आए। वोट डाल के जाएंगे? जरूर। इधर आ जाइए प्लीज, इधर आ जाइए इधर। और यहाँ इससे थरूर के बारे में क्या लगता है, कैसा काम किया उन्होंने? थरूर ने कुछ पार्टी नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ पॉलिटिक्स क्या नहीं, वो शशि थरूर ने जब तक इलेक्शन का टाइम भरे यहाँ पे आते हैं, इसके अलावा वो दिल्ली छोड़ के कभी नहीं आता है, कभी उनका पर्सनल काम के लिए आता होगा, ये नहीं हमारा ये देश के लिए वो कुछ नहीं करता है। वो MP बन के 5 साल पहले यहाँ से निकल गए, उसके बीच में कभी नहीं सुना। तो काम होता है ना कि जैसे MP है तो सांसद अपने इलाके के लिए करता है। मैं ऐसा है वो त्रिवेंद्रम से जीत के गया, वो काम करना चाहिए त्रिवेंद्रम में, काम करना चाहिए वो आज तक किसने क्या किया, वो कुछ नहीं किया, मेरे को ऐसे नहीं लगता है। हम भी आते हैं 6 महीने के बीच में 1 महीना तो छुट्टी आता है, तो मेरे को नहीं लगता है शशि थरूर ने यहाँ पे कुछ किया करके, मेरे को नहीं पता है। अच्छा हरियाणा में जहाँ रहते हैं वहाँ बाहर जाते हैं? हर जगह से बाहर वहाँ पे कैसा काम लगा है, वहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो यहाँ होना चाहिए? ऐसा तो बहुत है बोलने के लिए बहुत है, क्योंकि अभी देखो यहाँ पे ना बहुत कुछ है, हम बोलता है सब एजुकेशन में सबसे ज़्यादा केरला वाला आया करके, सही है जो भी काम करते हैं ना, बिल्कुल जो अनपढ़ आदमी है वो करने से बेकार काम हम ही करता है यहाँ पे। देखो अभी इसका पहले बीफ का बीफ कदम कर दिया था। अच्छा बीफ यहाँ पे तो लोग खाते यहाँ पे खाते हैं, फिर भी है ना ये कभी नहीं है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। एजुकेटेड वाला आदमी है, इन लोगों ने क्या किया, CPM वाला CPI या CPM वाले ने क्या किया, रास्ता पे मीट बना के जनता को दे दिया, वो कभी नहीं करना, क्योंकि ना केरला का आदमी सारे वर्ल्ड में है, वो कभी नहीं करना चाहिए वो काम। पर बीफ को तो खाते हैं ना लोग? वो कुछ लोग खाते हैं, वो खाने दो तो उनको तो खाने दो, वही तो हर जगह तो कुछ ही खाते हैं ना, सब तो नहीं खाते नहीं, ये पब्लिक में ये काम नहीं करना करके बताया।
अच्छा मतलब पब्लिक में नहीं खाओ, घर में खाओ? घर में खाओ। तो वैसे बीजेपी तो बाहर कहती है कई जगहों पर कि बीफ नहीं होना चाहिए, बीफ बैन करो, तो केरला में? केरला में ये नहीं, अभी मतलब अभी जरूर आदमी खाता है, सारे दुकान में बेचता है। किसी दिन बीजेपी यहाँ विरोध करे तो? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। क्यों, वहाँ पे करे, यहाँ क्यों ना करे? यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि वहाँ कम आदमी खाता है। तो ये तो मेजोरिटी पॉलिटिक्स हो गई ना। हाँ। कि जो मेजोरिटी करती है तो वो चलता है, जब कम लोग करते हैं, माइनॉरिटी करते हैं, तो वो नहीं चलता है। ये कैसा है? आप कहीं पे हो और आप वहाँ पे माइनॉरिटी हो, और आपके खाने पीने के अधिकार हैं, आप कुछ खाते हैं, आपकी आदत है कुछ खाने की। मैं ये बोलने का मतलब ये है, वो अभी जो केरला में बीफ नहीं बैन हो सकता, केरला में अभी चिकन खाता है, मच्छी खाता है, बीफ खाता है, सब कुछ खाता है अभी वो, मतलब बहुत ज्यादा खाता है, जिसका दिल लगता है वो लेके अपने घर में बना। तो ऐसा होना चाहिए कि जिसका दिल करे जो खाने का वो खाए, घर में बना के खा सकता है। तो घर में तो खाते हैं लोग? नहीं, दुकान में है ना खुला, अभी देखो अभी तो ये बाजार है तो दुकानों में मिलता है ना? मिलता है वो दुकान में है ना, अच्छा नहीं लगता है, मंदिर के पास, स्कूल के पास है, वो मीट बेचना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मतलब मंदिर के पास नहीं हो, स्कूल के पास नहीं हो तो दुकान में बिक सकता है? दूर में बेच सकता है, दूर में बेच सकता है दुकान, वो तो करता है। आपको ये लगता है केरला में नहीं बीफ बैन होना चाहिए तो? नहीं, बाकी तो हो जाए तो कुछ चलता है, बाकी जगह बैन हो, केरला में नहीं हो? अच्छा, ऐसा। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।